सचिन कुमार सिन्हा, आसनसोल का रहने वाला हूँ। मैं पहले हार्ट पेशेंट हुआ आसनसोल में, और वहाँ से हम क्या नाम एच एल जी में एडमिट हुआ। उसके बाद डॉक्टर कुणाल सरकार मेडिका में एडमिट हुआ, वहाँ एंजियोग्राफी हुआ। उन्होंने बोला जो कि आपको बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन मैं उन्हें बोला जो कि मैं ये नहीं कराऊंगा। उसके बाद मैं डॉक्टर बिमल छाजर के पास में आया हूँ, और आज उनको पता कैसे चला आपको बिमल छाजर के बारे में? यूट्यूब में मुझे पता चला, और उसके बाद उनके जूनियर से दिखलाया, उसके बाद डॉक्टर बिमल छाजर से दिखलाया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने तो मुझे बताया था जो कि आप कंटिन्यू एडमिट हो जाओ और बाईपास सर्जरी करा के ही निकलो, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कैंप अटेंड किया है? कैंप अटेंड किया, और उससे मैं बहुत लाभान्वित हूँ। और उससे वो जो बताए उसके मैंने कथा अनुसार मैं चला, और उसके अनुसार से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कितनी कितनी ब्लॉकेज थी आपकी? तीन बताए थे, एक 90%, एक 70%, एक 80%। और अभी कितना वॉक कर लेते हैं, कितना पैदल चल लेते हैं? मैं 5 किलोमीटर एक बार में 5 किलोमीटर चलता हूँ। ज्यादा भी चल सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दौड़ भी लेता हूँ। धूप में काम करना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, सब चीज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपको क्या लगता है कि अब दवाइयाँ ववाइयाँ भी कुछ कम हो रही है, या क्या लग रहा है आपको ऐसे? हमको तो लग रहा है कि कोई चीज का जरूरत ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। आपकी वाइफ भी साथ में कैंप अटेंड की थी? हाँ, मेरी वाइफ भी कैंप। आपको कैसा लगा था कैंप में, क्या सीखे? मैं यही जानी कि अगर कैंप अगर अटेंड नहीं करे तो फिर अधूरा ज्ञान रहता है। अगर कैंप अटेंड कर रहे हैं तो माइंड पूरा क्लियर हो जाता है। सर सुबह से लेकर शाम तक जो बोलते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जिसका आंसर हमें नहीं मिलता है। जो हम मन में रखते हैं कि ये चीज़ पूछना है कि हम लोग को कैसे रहना है, क्या खाना है, यहाँ तक कि हम लोग रिलेशनशिप कैसा रखना है, ये भी जानकारी सर हम लोग को दे देते हैं। कैंप अटेंड करने के बाद ही पेशेंट ठीक हो पाएगा, इसलिए सबसे मस्ट है कैंप अटेंड करना। आपने कार्डियो क्लीन भी लिया था क्या? जी हाँ, उसको कितना क्या लिए थे? कितना? दो महीने का कोर्स, सर दो महीने का कोर्स कम्प्लीट कर लिया। चलो, थैंक यू सो मच।